लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साउथ अफ्रीकी बैट्समैन डेविड मिलर ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 में 101 रन की इनिंग खेली। इस रिकॉर्ड इनिंग के दौरान उन्हें स्टेडियम में मैच देख रहे एक बच्चे को भी घायल कर दिया। ये इंसिडेंट मैच के 15वें ओवर में हुआ। ओवर की 5वीं बॉल पर मिलर ने लॉन्ग ऑफ की तरफ जबरदस्त शॉट खेला। उनके इस शॉट से बॉल स्टेडियम में गई और वहां बैठे एक बच्चे के कंधे पर जा लगी। डेविड मिलर साउथ अफ्रीका की इनिंग के 10वें ओवर की आखिरी बॉल पर बैटिंग करने आए थे। दूसरी ही बॉल पर उनका कैच बांग्लादेशी विकेटकीपर ने छोड़ दिया था, तब मिलर का खाता भी नहीं खुला था। इसके बाद मिलर ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए टी20 इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी लगा डाली। मिलर ने 35 बॉल में सेंचुरी पूरी की, साथ ही 36 बॉल में 101 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। मिलर ने मैच के एक ओवर में लगातार 5 बॉल पर 5 सिक्स भी लगाए। एक वक्त लग रहा था कि वो युवराज सिंह का 6 बॉल पर 6 सिक्स लगाने का कारनामा दोहराएंगे, लेकिन ओवर की आखिरी बॉल पर मिलर सिर्फ 1 रन बना सके।